टोरो पेट्रो ने सरकार से देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। ऑपरेटरों का कहना है कि इससे देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। सालाना सम्मेलन में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग की। ऑपरेटरों का कहना है कि इन हवाई अड्डों से कनेक्टिविटी के अभाव में सैलानियों को दिल्ली में रुककर इन शहरों की तरफ रुक करना पड़ता है। यहाँ पर हर एयरलाइन की फ्लाइट उतरनी चाहिए और दिल्ली के लिए एक ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट होना चाहिए। तो जब ये एयरपोर्ट और होगा, और हमारी दूसरी डिमांड ये है कि जोधपुर और उदयपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने चाहिए। इसके साथ ही टूर ऑपरेटरों ने देश के निजी एयरलाइन से भी इन शहरों से उड़ाने शुरू करने और बढ़ाने की अपील की। इंस्पिरेशन आता है सब ट्रैवल एजेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का, हम लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे और इसमें हम लोग को फ़ायदा होता है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं नॉर्दर्न साइड को, हम लोग का ईस्टर्न साइड को लोग जा सकेंगे और हम लोग का चेन जो नेटवर्क है वो प्रमोशन जो होता है ताई से हम लोग बहुत खुश होते हैं। इस टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड से डेलीगेट्स आते हैं, इंटरेक्शन होता है, नए आइडियाज़ मिलते हैं इसमें, और टूरिज़्म का जो प्रमोशन होता है उसमें इसमें तमाम नए नए आइडियाज़ को डेवलपमेंट होता है। हर साल भारत आने वाले 40 लाख से भी ज़्यादा विदेशी सैलानियों के लिए राजस्थान काफ़ी अहम है। भारी तादाद में विदेशी सैलानी हर साल राजस्थान का रुख करते हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर यहाँ हवाई यात्रा से लेकर सही मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो यहाँ का पर्यटन उद्योग अच्छी कमाई कर सकता है। पुरुषोत्तम वैष्णव, जी बिजनेस, जयपुर।